शाम 6:30 बजे राज्यपाल से मिलेंगे चरणजीत सिंह चन्नी, जिनके नाम का ऐलान थोड़ी देर पहले पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत द्वारा किया गया, और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत उनके साथ होंगे। राज्यपाल को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी वो सौंपेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि अब से करीब 35 मिनट बाद यानी 6:30 बजे राज्यपाल से मिलने वाले हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनके साथ हरीश रावत मौजूद रहेंगे, और विधायकों के समर्थन वाली जो चिट्ठी है वो राज्यपाल को सौंपी जाएगी। रवि, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसीलिए 6:30 बजे का टाइम लिया गया था और पहले से यानी कि चीजें फाइनलाइज हो गई थी, नाम आपके साथ पास आना बाकी था। तो 6:30 बजे चरणजीत सिंह चन्नी जाएंगे और उनके साथ तमाम जो सीनियर नेता हैं, चाहे वह यहाँ से जो ऑब्जर्वर गए हैं वो भी जाएंगे, जो वहाँ के प्रभारी हरीश रावत वो भी जाएंगे, और तमाम और सीनियर नेता उनके साथ जाकर इस बात का दावा करेंगे कि चरणजीत सिंह चन्नी को विधायक दल का नेता चुना गया और ये अगले मुख्यमंत्री होंगे। और उसके बाद हो सकता है टाइम ये भी मांगा जाए कि वो कब ओथ लेंगे, कल का समय होता है, परसों का समय होता है, ये ओथ सेरेमनी का टाइम भी होगा, और उसके साथ ये भी देखा जाएगा कि क्या मंत्रिमंडल में भी कोई फेरबदल किया जाता है, जिस तरह से गुजरात में आपने देखा, जिस तरह से बाकी राज्यों में होता है, क्योंकि 3-4 महीने में आपको कार्ड खेलना है, और कार्ड खेलने में साथ साथ आपको वोटर को साधना है। जो भी वोट बैंक होता है वहाँ, चाहे सिख है, चाहे भाई आपको हिंदू है, चाहे दलित है, चाहे बाकी और भी जो कास्ट होंगे, उन सबको साधने के लिए जो समीकरण होगा, हो सकता है कैबिनेट में फेरबदल करके भी इस बात को साधा जाए। जाहिर सी बात है रवि, इस वक्त जो है बड़ी खबर एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता देता हूँ, चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि 1 घंटे पहले तक हम ये कह सकते हैं कि ये नाम बिल्कुल भी सुर्खियों में नहीं चल रहा था, अगर कहीं नाम चल रहा था तो वो सुखजिंदर सिंह रंधावा का चल रहा था, फिर उसके बाद उस नाम को लेकर के भी कई अटकलें तेज हुई कि हो सकता है सुखजिंदर सिंह रंधावा नहीं होंगे क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू नहीं चाहते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू खुद बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन फिलहाल ये भी देखना होगा क्योंकि वक्त कम रह गया है पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व होने के लिए, पंजाब के अगले चुनावों के लिए। ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने जो है, क्योंकि चरणजीत सन्नी चन्नी काफी वक्त से हमने देखा है, जब से बगावत का झंडा बुलंद किया है नवजोत सिंह सिद्धू ने, तब से कहीं ना कहीं उनके साथ ही खड़े रहे हैं, कैप्टन के अगेंस्ट यानी कैप्टन के विरोधी माने जाते हैं, उस खेमे का साथ दिया है, और जितनी भी बार सिद्धू ने अगर बैठक बुलाई है या फिर जिस वक्त सिद्धू पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनना चाहते थे उस वक्त भी चन्नी साथ ही नजर आ रहे थे। तो चरणजीत सिंह चन्नी 58 साल के हैं, चमकौर विधानसभा सीट से आते हैं, और एक दलित चेहरे पर दाव चला है इस वक्त कांग्रेस ने। राज्यपाल को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपेंगे चरणजीत सिंह चन्नी, 6:30 बजे मुलाकात का वक्त मांगा गया है, शाम को 6:30 बजे राज्यपाल से मिलेंगे और 6:30 बजे का वक्त मांगा गया है। रवि, सुखजिंदर सिंह रंधावा से यह शुरू हुआ, 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले तक पहुंचा, फिर उसके बाद एक दलित सिख चेहरा सामने आता है चरणजीत सिंह चन्नी, कैसे ये पूरा हम ये कहते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन चेंज हुआ? नहीं देखिए, अगर बात करें तो कल से ही ये मंथन, काफ़ी दिनों से ये मंथन चल रहा था, लेकिन कल शाम से लंबी मंथन चली है। राहुल गांधी के घर पर अंबिका सोनी बैठती हैं और केसी वेणुगोपाल जो संगठन मंत्री हैं वो बैठते हैं, और लगभग रात 12 बजे तक ये बैठक चली है यहाँ पे, और उसके बाद नाम को लेकर कई सारे नाम चल रहे थे। आपने देखा कि जिस तरह से सुनील जाखड़ का नाम चला है, अंबिका सोनी खुद जो बैठी थी उनका नाम भी चला है, रंधावा साहब का नाम चला है, सिद्धू का नाम चला है, तमाम नाम आपने हमने चलाया और हमने ही चलाए, चूँकि ये कांग्रेस के सोर्सेज से ये खबरें आ रही थी, नाम आ रहे थे, इनको हम चला रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी की तरह चाल चली, एक तरह से कहा जाए जैसे चौंकाने वाले नाम देने की बात करें तो चौंकाने वाला नाम भी, और साथ साथ राजनीति को और वोट को साधने वाला नाम भी है, क्योंकि पंजाब में जैसा आप जानते हैं पंजाब में 32% दलित वोटर है, और दलित वोटर को साधने के लिए जो नाराजगी खासतौर पर कांग्रेस की वजह से जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चल रहा होगा, शायद उसको साधने के लिए बड़ा फैक्टर हो सकता है कि 32% वोटर अगर आपके साथ खड़ा होता है। उस पर मोहर लगाई थी कि चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के अगले सीएम, और जो हरीश रावत ने ट्वीट किया था, और उसके बाद अब अजय माकन ने भी ट्वीट कर दिया, अजय माकन भी प्रभारी बनाए गए थे और इस वक्त मौजूद है वहां पर श्री हरीश रावत एंड सीनियर लीडर्स ऑफ पंजाब इंक्लूडिंग न्यूली इलेक्टेड लीडर हैव बीन कॉल्ड बाय ऑनरेबल गवर्नर एट 6:30 PM यानी 6:30 बजे। अभी अजय माकन ने भी ट्वीट करके इस चीज को कंफर्म कर दिया कि 6:30 बजे विधायकों के साथ या विधायकों के समर्थन की चिट्ठी के साथ हरीश रावत की अगुवाई में चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचेंगे राजभवन। जी बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपकी खबर पर लगातार मुहर पर मुहर लगती जा रही है, क्योंकि जिस खबर को आपने सबसे पहले जी न्यूज पर दिखाया कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री होंगे और बकायदे ट्वीट के साथ हरीश मैं गवर्नर हाउस से निकलकर बात करूंगा आपसे प्लीज। गवर्नर हाउस फाइनली मोहर लग गई आपके नाम की, प्लीज मुझे जाने दो। चन्नी साहब आखिरकार कुर्सी आपको मिली है। चन्नी साहब क्या करेंगे? तो चरणजीत सिंह चन्नी अपने काफिले के साथ फिलहाल वहां से निकल चुके हैं, ये कहते हुए कि अभी मैं राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहा हूं और एक बार राज्यपाल से अगर मैं मिलूंगा तो उसके बाद आप लोगों से बात करूंगा। तो कुल मिलाकर के जैसा कि रवि त्रिपाठी कह रहे हैं, कल से तमाम नामों की चर्चा हो रही थी, तमाम कॉम्बिनेशंस की चर्चा हो रही थी कि क्या पहले हिंदू मुख्यमंत्री की बात आई, फिर ये बात आई कि क्या डिप्टी सीएम हिंदू मुख्यमंत्री हो सकता है। अंबिका सोनी बाहर आती हैं, वो कहती हैं कि उनका नाम भी सामने आया, उनका ये कहना था कि पंजाब में सिख मुख्यमंत्री ही होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव सिख मुख्यमंत्री होना चाहिए। आखिरकार सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम सामने आया, दो और डिप्टी सीएम्स का नाम सामने आया और शाम 6 बजे तक आते आते इस बात की पुष्टि कर दी रवि त्रिपाठी ने, वो ट्वीट भी दिखा दिया हरीश रावत ने, उसके बाद ट्वीट भी कर दिया कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि एक दलित चेहरा है, 58 साल के हैं, चमकौर विधानसभा से आते हैं, तीसरी बार विधायक बने हैं, पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। रवि त्रिपाठी अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि जो आपने खबर दिखाई जो सबसे पहले जी न्यूज पर चलाया गया उस पर अब एक एक करके मुहर लगती जा रही है और अजय माकन ने भी ट्वीट करके आपको बता दिया और अब खुद उन्होंने बोला है कि मैं जाकर गवर्नर हाउस में अपना दावा पेश करने के बाद आपसे बात करूंगा। तो कुल मिलाजुलाकर एक बड़ी खबर जो निकल के आई पंजाब का, इसका लगभग साल भर से लोगों का इंतजार था, पिछले एक साल से ये टसल चल रहा है पंजाब में, कई सारी बैठकें हमने यहाँ कवर की जिसमें तमाम विधायकों को दिल्ली बुलाया गया, उनका पैरेड कराया गया एक तरह से कहा जाए, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह दो बार आते हैं, एक बार जो कमेटी बनाई गई उसके समक्ष आके पेश होते हैं, उसके बाद अलग से कमेटी के सामने पार्लियामेंट में पेश होते हैं, उसके बाद राहुल गांधी के घर पे कई सारी बैठकें चलती हैं, उसके बाद फाइनल अध्यक्ष कौन होगा इस बात को लेकर कयास लगाया जाता है और नवजोत सिंह सिद्धू जब अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो वो भी एक चौंकाने वाला फैसला होता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर लगातार विरोध कर रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है और कहीं ना कहीं उनको एक तरह से कहा जाए तो इस तरह गैर जिम्मेदाराना फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, उनके बातों में कहीं ना कहीं वो नहीं रहता है, सिमिलैरिटी नहीं रहती है, इस वजह से उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाता है और उसके बाद लड़ाई शुरू होती है कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में, और पिछले 3 महीने से आप देख रहे होंगे 3-3.5 महीने से विवाद चल रहा था अलग अलग बयानों के जरिए, कभी कैप्टन अमरिंदर उनको निशाना साधते थे, कभी सिद्धू उन पर निशाना साधते थे, और अब जाकर जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया कल तो उसके बाद से चीजें और ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई कि अब क्या होगा, और खाली इस्तीफा नहीं दिया कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा देने के साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू पर यह आरोप लगाया कि वो आईएसआई बाजवा जो है वहां के सेना प्रमुख जो है वो साथ साथ इमरान खान से मिले हुए हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और अगर सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो मैं विरोध करूंगा, और कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर था शायद कि अगर सिद्धू को बनाया जाता है तो अमरिंदर सिंह का विरोध होगा और विरोध की वजह से हो सकता है कि चुनाव में पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़े, चुनाव पार्टी मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कैप्टन अमरिंदर की स्थिति यह नहीं थी कि वो आज की डेट में पार्टी को जिता सकते थे क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उनकी स्थिति ये जरूर थी कि पार्टी को चुनाव में हरा सकते थे, तो इस बात का डर आला कमान को भी है और पंजाब में जो लीडर्स हैं उनको भी है, इस वजह से उनका विरोध खुलकर कोई नहीं कर पाया, उनके कल इस्तीफा देने के बाद भी लोग शांति से थे, चुप थे कि क्या स्टेप उठाया जाए।
तो नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं बनाए जाने के पीछे कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का वो बयान का काम आया है। और उसके बाद ये पार्टी ने तय किया है कि एक ऐसे चेहरे के साथ जाया जाए जो वोट बैंक को भी साधेगा और राजनीति में जो विवाद है पंजाब कांग्रेस का उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल फिलहाल किया जा सकता है। आगे चुनाव में क्या नतीजे आएंगे पता नहीं, लेकिन फिलहाल दलित चेहरे के साथ वोट बैंक को भी साधना है कांग्रेस को, और साथ ही साथ जो गुटबाजी है पंजाब कांग्रेस में वो कहीं ना कहीं खत्म होगी। नवजोत सिंह सिद्धू एक नेता अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे, चरणजीत सिंह चन्नी एक मुख्यमंत्री के तौर पे काम करेंगे, और दोनों से वोटों को आप साधेंगे, एक तरफ सिख वोटर को साधेंगे, दूसरी तरफ आप दलित वोटर को साधेंगे। ठीक है, अब देखना यह कि यहां से क्या कैप्टन चैप्टर ओवर हो जाता है। जैसा आपने कहा कि अगर भले वो अपने दम पर जीते ना, लेकिन हरा जरूर सकते हैं, और हमें नहीं भूलना होगा कि पिछली बार का जो चुनाव था विधानसभा का, कैप्टन की उसमें क्या भूमिका थी, किस तरीके से भले सोनिया गांधी को किया गया वो प्रॉमिस हो या फिर सत्ता में वापसी की बात हो, तो इस तरीके से एक तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये कहकर जाना कि अब मुझे नहीं लगता है कि मेरे रहने लायक यहां पर हालात हैं, और कहीं ना कहीं अपनों ने ही अपनों को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया और चरणजीत सिंह चन्नी अब नए मुख्यमंत्री हैं। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।